देखिए दोस्तों, यदि आपको जल्दी से जल्दी एक सरकारी नौकरी चाहिए तो आपके पास अभी भी मौका है। अभी दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल गया है और इस वैकेंसी का दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इसका प्रोसेस जो है वो बहुत ही फास्ट चलने वाला है। ठीक है, इस वैकेंसी के बारे में दोस्तों आपको हम बताएं। सबसे पहले समझ लीजिए, सबसे फास्ट प्रोसेस है, जितना भी वैकेंसी अभी निकला है सबसे तेज है ये, क्योंकि इसका प्रोसेस एग्जाम ज्वाइनिंग सब जल्दी जल्दी हो रहा है। इसके बाद दूसरा है कि ज्वाइनिंग जैसे ही कीजिएगा आप, तो आपका सैलरी देखिए, सैलरी देख के आपका चौंक जाइएगा। 55,000 स्टार्टिंग सैलरी है आपका, 55,000 ज्वाइनिंग जैसे कीजिएगा वैसे, और धीरे धीरे सैलरी तो बढ़ेगा ही। तो सोचो 2-3 साल नौकरी करने के बाद आपका सैलरी कितना हो जाएगा। शुरुआत में ही आपका इतना वेतन है 55,000, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। और दोस्तों पोस्टिंग कहाँ होगा अभी हम ये भी बताएंगे। इसके बाद नो इंटरव्यू, इतना सैलरी वाला यदि कोई जॉब होता है तो उस पर इंटरव्यू जरूर होता है, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है। दूसरी बात कि मनचाहा जॉब लोकेशन मिलेगा, आप जिस भी जोन में चाहिएगा आप उस जोन से भर दो, वहां पर आपको पोस्टिंग हो जाएगा। तो आपका जो भी इच्छा है कि हम यहां नौकरी करना चाहते हैं तो आप वहां नौकरी कर सकते हैं, आपको उसी तरह से चुन करके फॉर्म को भरना होगा। तो मनचाहा जॉब लोकेशन मिलेगा, पोस्टिंग भी आपके हिसाब से होगा। इसके बाद शानदार विभाग है, विभाग की तो बात ही छोड़ो, इतना मस्त विभाग है। अभी जब विभाग का नाम बताएंगे ना तो आप बोलोगे कि हाँ, इस पे काम करके एकदम गर्व महसूस होगा आपको। इसके बाद दोस्तों आसान परीक्षा स्तर, परीक्षा का जो लेवल है वो भी बहुत आसान है, इस पे ज्यादा टफ क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछेंगे। और हाँ, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा ये भी हम आपको अभी बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है दोस्तों जल्दी प्रमोशन, इस पे आपको ज्वाइन करने के बाद 3 साल के अंदर आपका इस पे प्रमोशन है। तो सोचिए इतना अच्छा अच्छा इस पे क्वालिटी है और आप इस वैकेंसी को छोड़ दोगे तब तो गलत बात है। तो इस वैकेंसी को दोस्तों आप लोगों को जरूर से जरूर भरना है। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा तभी आप समझ पाइएगा कि कौन सी वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं। आप लोगों को A to Z यहां पर इंफॉर्मेशन हम देंगे। तो चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्योंकि दोस्तों हर प्रकार का नोटिफिकेशन, वीडियो, वैकेंसी ये सब आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को कंटिन्यू अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, विभाग का जो नाम है वो है RBI। RBI मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं बैंकों का बैंक, सबसे बड़ा बैंक है ये। ठीक है, पैसे में देखते हो ना, नोट में लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको नोट छापने का अधिकार होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम दोस्तों असिस्टेंट, जिसको बोलते हैं सहायक, RBI असिस्टेंट का बम्पर वैकेंसी निकल के आ गया है। ठीक है, वैकेंसी कहां से निकला है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, RBI में। ठीक है, इसके बाद देखिए टोटल सीट की बात करेंगे तो 450 टोटल सीट है। और हाँ दोस्तों, 450 सीट को कम मत समझना कि इतना कम सीट है, इस सब में इतना ही वैकेंसी निकलता है, 2 साल 3 साल कभी कभी लगातार भी निकल जाता है, तो इतना वैकेंसी कम मत समझिएगा। 450 RBI में वैकेंसी आया है। उम्र देख लीजिए कब से काउंट होगा, 1/9/2023 तक, 1 सितंबर 2023 तक आपका उम्र कितना होना चाहिए। देखिए यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कम से कम 20 साल अधिक से अधिक 28 साल 20 से 28 ईयर्स UR का। यदि आप OBC हो तो 3 साल आपको छूट मिलेगा, कितना हो गया 20 से 31 साल, 28 में 3 जोड़ दिया कितना हो गया 31। और यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का उम्र में छूट मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 20 से 33 साल। तो ये है इसका उम्र क्राइटेरिया, यदि आप इस उम्र के दायरे में आते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म जरूर से जरूर भरिएगा, इस वैकेंसी को मिस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अब देखते हैं पैसा कितना लगेगा इसको भरने के लिए। तो देखिए जनरल, OBC, EWS इन 3 कैटेगरी के विद्यार्थियों को 450 रुपए पेमेंट करना होगा, 450 रुपीज। इसके अलावा जो SC ST है उनको केवल 50 रुपया देना है और फॉर्म को भर देना है। ठीक है, अब देखिए अप्लाई कब से कब तक होगा दोस्तों। तो इसका अप्लाई बहुत पहले से चालू है, इसका लास्ट डेट है 4 अक्टूबर 2023, 4/10/2023 अंतिम तिथि है
पहले ही फॉर्म को भर देना। हम आप लोगों को लास्ट बार बता रहे हैं, इसके बाद हम इसका वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों अब वैकेंसी अंत हो गया है, ठीक है। तो 4 अक्टूबर से पहले आप इसके लिए फॉर्म को भरिएगा, लास्ट का इंतजार मत कीजिएगा, नहीं तो सर्वर स्लो होगा, फिर आपका फॉर्म भी नहीं भराएगा और डेट बढ़ने का कोई भी चांस नहीं है। समझ में आ गया? तो ये दोस्तों आप लोग करिएगा। और हाँ, अक्टूबर नवंबर में ही आपका एग्जाम भी है, जो प्रीलिम्स एग्जाम है ना, प्रारंभिक परीक्षा, वो अक्टूबर में ही आपका होने वाला है, तो एकदम सावधानी से इसको भर दीजिएगा। अब समझिए सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस, चयन का प्रक्रिया, इस पर 3 स्टेप है। पहला है प्री एग्जाम, जिसको बोलते हैं पीटी, प्राइमरी टेस्ट। इसके बाद दूसरा है मेंस एग्जाम, जिसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा, और एक है एलपीटी। एलपीटी क्या होता है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इस पे होता क्या है दोस्तों, जैसे कि मानते हैं आप महाराष्ट्र से आप फॉर्म को भर देते हैं, तो आपको मराठी में एलपीटी देना पड़ेगा, ठीक है। जिस भी रीजनल लैंग्वेज से आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, उस क्षेत्र का आपको भाषा का नॉलेज है या फिर नहीं है, इसी की टेस्ट की होती है, जिसको बोलते हैं एलपीटी। तो यदि आपको दिक्कत होता हो तो फिर हिंदी ले लेना ना, भाषा में आप हिंदी सेलेक्ट कर लेना, एलपीटी आसानी से दे दोगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको देख करके घबराना मत, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आरबीआई का जो ऑफिस है वो जोन वाइज है, ठीक है, ईस्टर्न जोन में अलग है, वेस्टर्न जोन में अलग है, तो उस तरह से आरबीआई का ऑफिस है, उसी हिसाब से आपको पोस्टिंग होगा। तो जिस भी एरिया से आप फॉर्म को भरते हैं, उस एरिया का आपको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। समझ में आ गया? इसके बारे में हम वीडियो भी बनाए थे कि कहां पर कौन सा भाषा का जरूरत है। तो देखिए दोस्तों, प्री एग्जाम का सिलेबस समझ लेते हैं कि एग्जाम में क्या क्या पूछेगा और कैसे क्या होगा। समझिए 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, और 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा, यानी 1 घंटा। और हाँ दोस्तों, एक बात इस बात में ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी बात बता रहे हैं कि 60 मिनट जो टाइम मिलेगा, ये अलग अलग टाइम मिलेगा, कहने का मतलब सेक्शनल टाइम है, ऐसा नहीं कि 1 घंटा दे दिया और सब सब्जेक्ट खुल गया, जो मैंने वो बनाओ, ऐसा नहीं है। इस पे सबसे पहले देखिए रीजनिंग की बात करेंगे, तो 35 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग से, इस पे रहेगा 35 नंबर, और रीजनिंग को बनाने में 20 मिनट टाइम है। जब तक रीजनिंग को बना के खत्म नहीं कीजिएगा, आपका दूसरा वाला नहीं खुलेगा। समझ में आ गया? इसका अलग टाइम है, रीजनिंग के लिए अलग, मैथ के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, इसको बोलते हैं सेक्शनल टाइमिंग एग्जाम। क्या बोलते हैं? सेक्शनल टाइमिंग एग्जाम। मैथमेटिक्स रहेगा 35 क्वेश्चन, 35 नंबर, 20 मिनट टाइम। इंग्लिश से रहेगा 30 क्वेश्चन, 30 नंबर, 20 मिनट टाइम। तो पीटी में आपका यही पूछेगा, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। हाँ, मेंस में आपका जीके और करंट अफेयर्स आएगा। तो यदि आपका जीके और करंट अफेयर्स ठीक ठाक, प्री में अभी तैयारी नहीं है, तो आप इसको भरिए और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ के एग्जाम दीजिए, प्री निकालिए और मेंस में लग जाओ, जीके पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिलेबस भी अपने आप में काफी बेस्ट है, आप इसके लिए फॉर्म भरो, तैयारी करो और एक नौकरी पक्का लेकर के दिखाओ। ये दोस्तों आप लोगों के लिए काफी बड़ा बिग अपॉर्चुनिटी होने वाला है। तो यहां पर यदि किसी को दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैकेंसी कहां से निकला दोस्तों? आरबीआई, जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं आरबीआई, जिसको बोलते हैं बैंकों का बैंक, ठीक है। भारत में करेंसी जारी करने का ऑथोरिटी किसको है? केवल आरबीआई को है, ठीक है। करेंसी में, नोट में किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग करनी है तो वो आरबीआई करता है, ठीक है। तो आरबीआई में असिस्टेंट का वैकेंसी आया है, जो कि मैनेजर से कम नहीं है। आप प्रोमोट होकर के मैनेजर बनोगे, असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, इस तरह से आपका प्रमोशन होते होते आप एक बहुत ही बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हो। और भाई रुतबा देखो, कोई पूछेगा कहाँ काम कर रहे हो, तो बोलोगे आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। बैंक तो बहुत तरह है, लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे बैंकों का बैंक, तो आरबीआई में बम्पर वैकेंसी निकल के आ गई है, 450 सीट है। अप्लाई आप लोग जरूर से जरूर कर दीजिएगा, 4 अक्टूबर अंतिम तिथि है, 4 अक्टूबर 2023 से पहले हर हाल में फॉर्म को भरना है, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो आई होप दोस्तों मैंने पूरी अच्छी तरह से डिटेल में आप लोगों को समझा दिया है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।